हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखो ये थ्री टाइप्स के यूनिट्स होते हैं इसमें। सबसे पहले है क्यूरी। द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज सेट टू बी 1 क्यूरी व्हेन 3.7×10^10 डीके टेक्स प्लेस पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ है, 1 क्यूरी को हम कैसे लिखेंगे यहाँ, 1 CI इज इक्वल टू में 3.7×10^10 डीके होंगे जब पर सेकेंड में। कितनी बात क्लियर है, उसको हम 1 क्यूरी बोलते हैं। क्लियर, CI से हम इसको लिखते हैं। ठीक, उसके बाद आता है बैक्वेरल। बैक्वेरल को हम BQ से लिखते हैं। द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज सेट टू बी 1 बैक्वेरल व्हेन 1 DK टेक्स प्लेस पर सेकेंड। मतलब 1 बैक्वेरल इज इक्वल टू 1 DK पर सेकेंड होता है। ठीक है, और यही SI यूनिट होता है किसका, एक्टिविटी का भी। ठीक है, जैसे हमने बोला था ना एक्टिविटी, रेड्यूस्ड एक्टिविटी जो हमने फ्रैक्शंस लिए थे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में, वो वाली बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो अगर 1 बैक्वेरल 1 DK पर सेकेंड है, मतलब 1 DK पर सेकेंड को हम 1 बैक्वेरल बोल सकते हैं। तो 1 क्यूरी जो था वो होता 3.7×10^10 DK पर सेकेंड। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 क्यूरी इज इक्वल टू में 3.7×10^10 DK पर सेकेंड ही 1 बैक्वेरल होता है। तो मैं इसको बैक्वेरल में भी लिख सकता हूँ कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू में कितना है, 3.7×10^10 बैक्वेरल, क्योंकि ये डीके पर सेकेंड में था और 1 DK पर सेकेंड को हम BQ लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, 1 क्यूरी को हम बैक्वेरल कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, 3.7×10^10 बैक्वेरल, और बैक्वेरल जो होता है SI यूनिट होता है किसका, एक्टिविटी का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, क्योंकि डीके पर सेकेंड ही क्या है, बैक्वेरल है, और जो एक्टिविटी है वो भी क्या है कि कितना डीके हो रहा है। ठीक है ना, कितना रिड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रह गए हैं। ठीक है, वही क्या है, एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी का जो SI यूनिट है वो क्या है, डीके पर सेकंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक्वेरल। तो एक्टिविटी का जो SI यूनिट है वो है बैक्वेरल, क्योंकि 1 बैक्वेरल किसके इक्वल है, 1 DK पर सेकंड के। और इसलिए 1 क्यूरी को हमने क्या बोला है, क्योंकि 1 क्यूरी में कितने डीके पर सेकंड हो रहे थे, 3.7×10^10 DK पर सेकंड, और डीके पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, बैक्वेरल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको बैक्वेरल में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आता है रदरफोर्ड, RD से लिखते हैं इसको। द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज सेट टू बी 1 RD व्हेन 10^6 DK टेक्स प्लेस पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दैट इज 1 RD इज इक्वल टू कितना है, 10^6 DK होंगे किसमें, पर सेकेंड में। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है कहानी। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्यूरी, बैकवेरल एंड रदरफोर्ड। तो क्यूरी का आपने लिख देना है 1 CI इज इक्वल टू 3.7×10^10 DK पर सेकंड होता है, बैकवेरल 1 DK पर सेकंड के इक्वली होता है 1 बैकवेरल, और इसी वजह से हम 1 क्यूरी को फिर क्या लिख सकते, 3.7×10^10 बैकवेरल। और रदरफोर्ड क्या होता है, 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू कितना होता है, 10^6 DK पर सेकेंड, यानी कि 1,000,000 DK पर सेकेंड। क्लियर है, इतनी बात कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।